हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी, जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा मैं बुक लेके आया हूँ जो आपको बताएगी कि आप बिजनेस में सक्सेस कैसे हो। दोस्तों, बिजनेस तो बहुत सारे खुलते हैं रोज, लेकिन बहुत सारे फेल हो जाते हैं और मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस 3 साल से पहले ही फेल हो जाते हैं। दोस्तों, इस बुक का लेखक बताते हैं कि ऐसा 3 स्टेप सिर्फ अगर आप फॉलो करते हैं या 3 चीज अगर आपके पास है तो आपको बिजनेस के सक्सेस होने में कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आप छोटा सा भी छोटा बिजनेस ओनर हैं या आप बिजनेस ओपन करना चाहते हैं या अपना बिजनेस को सक्सेस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, बिकॉज वो सिंपल 3 स्टेप में आपकी भाषा में समझाने वाला हूँ जो आप अपने बिजनेस पे अप्लाई करके या तो आप अपने बिजनेस को सक्सेस बना सकते हैं या और ज्यादा सक्सेस बना सकते हैं या फिर उसको छोटा बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। दोस्तों, आप एक चीज आपने कभी सोचा है कि मैकडोनाल्ड जो बर्गर बनाता है उससे अच्छा बर्गर दूसरे लोग भी बना पाते हैं? दुनिया के ऐसे 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 टेक्नीशियन हैं, ऐसे लोग हैं कि मैकडोनाल्ड से ज्यादा अच्छा बर्गर बना लेते हैं, लेकिन उनका बर्गर फेमस क्यों नहीं होता? उनके पास $1 मिलियन की कंपनी क्यों नहीं होती? क्योंकि दोस्तों, ये 3 चीजें उनके पास नहीं है। वो 3 चीजें क्या है वही लेखक बताए हैं इस बुक में, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपकी भाषा में बताऊंगा और सिंपल तरीका बताऊंगा कि उसको आप अपने बिजनेस पे कैसे अप्लाई कर सके। दोस्तों, 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस है तो आपको आपके पास वो विजन होना चाहिए कि आप बिजनेस करना कैसे चाहते हैं या कितना बड़ा करना चाहते हैं। जब आपके पास वो विजन रहता है कि आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, आपका ये प्लानिंग है, आज आप 0 से शुरू कर रहे हैं, आप 1 साल बाद अपने कंपनी को $1 मिलियन का देखना चाहते हैं, 2 साल बाद आप $100 मिलियन का देखना चाहते हैं, जब ऐसा विजन रहता है आपका और आप अगर उस डायरेक्शन में सोचते हैं और आप अपने इरादों के पक्के हैं, कंसिस्टेंसी है आप में, तो दोस्तों आप एक एक जो आपकी 3 रिक्वायरमेंट्स में से एक आप फुलफिल करते हैं, क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपके पास है। आपके पास वो विजन होना बहुत जरूरी है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, आप बिजनेस को कितनी ऊंचाई तक लेके जाना चाहते हैं। जब आपके पास ये क्लियर होता है कि मैं अपने बिजनेस को यहां से उठा के दूसरी जगह मैं टॉप पे पहुंचाना चाहता हूं, यहां पे मैं बिजनेस को लेके जाऊंगा, और एक एक स्टेप आप उस पे काम करते हैं, जब उस पे आप सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके आजू बाजू की चीजें चेंज होने लगते हैं और उस डायरेक्शन में आप जाने लगते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी भी टीम का अगर लीडर अच्छा हो, लीडर अगर विजनरी हो, वो अगर सोचता हो और अपना प्लान के हिसाब से वो अपना एक्शन लेता हो तो दोस्तों वो बिजनेस हमेशा सक्सेस होता है। स्टेप नंबर 2, दूसरी चीज भी होना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि आपके पास एक मैनेजर होना जरूरी है या आपको अपने बिजनेस को मैनेज करना आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास आदमी हैं, आपके वर्कर्स हैं, आपके लेबरर्स हैं, आपके एम्प्लॉय हैं, उनको मैनेज करना आपको जरूर आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मैनेज करना आता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपके बिजनेस में काम आपकी टीम करने वाली है, अकेले आप बिजनेस नहीं कर सकते। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको टीम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आदमी एक ही काम कर सकता है, उस एक आदमी मल्टी $1 मिलियन का कंपनी नहीं बना सकता, उसके लिए टीम होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास टीम है या टीम अगर आपको बनाना है आपको सक्सेस होने के लिए, तो उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। जब आप मैनेज करना सीख लेते हैं तो आप एक के बजाय आपके बहुत सारे हाथ हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अकेले काम करने जाएंगे तो आपके पास सिर्फ 2 हाथ है और आपका 1 दिमाग है, लेकिन अगर आपको लोगों को मैनेज करना आता है तो आप 100 एम्प्लॉय रखेंगे, जिससे आपके 200 हैंड्स होंगे, 100 आपके दिमाग होंगे, सबको मिलके आप कंबाइन करके काम करेंगे, तो जो काम आप 10 साल में करेंगे वो काम आप 1 दिन में कर सकते हैं, अगर आपको अपने टीम को मैनेज करना आता है, अगर आप अच्छे मैनेजर हैं तो। तो दोस्तों, बिजनेस को सक्सेस करने के लिए इस बुक में बताया गया है कि आपको मैनेजर होना बहुत जरूरी है, आपको मैनेज करने आने चाहिए अपने टीम को, अपने क्लाइंट्स को, अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को, अपने सारी चीजों को जो आपको बिजनेस की सपोर्ट करती है, अगर वो आपको आता है तो आप रिक्वायरमेंट नंबर 2 फुलफिल करते हैं।
और तीसरा नंबर और आखिरी है दोस्तों टेक्नीशियन की। दोस्तों कोई भी आप काम करें, कोई भी प्रोडक्ट बनाए, कोई भी आप सामान बनाए या कोई भी आप सर्विसेज दें किसी को, उसमें टेक्नीशियन का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप अगर कंपनी खोलते हैं, उसका एक वेबसाइट बनाना है, तो उसको वेबसाइट बनाता कौन है? एक टेक्नीशियन है। तो इसलिए टेक्नीशियन का होना जरूरी है अगर कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं तो। अगर सेकंड चीज होता है कि बर्गर, ये मैकडोनाल्ड की मैं बर्गर की बात करूं तो मैकडोनाल्ड खुद आके बर्गर नहीं बनाता, उसका ऑनर बर्गर बर्गर नहीं बनाता, उसका सीईओ नहीं बनाता, उसका बर्गर एक टेक्नीशियन बनाता है। तो अगर तीन चीजें हैं दोस्तों, अगर आपके पास अच्छा टेक्नीशियन है, अगर आपके पास अच्छा मैनेजर है, या आप में वो मैनेजिंग का गुण है और आप अच्छा एंटरप्रेन्योर हैं, आप अच्छा विजनरी हैं, तो दोस्तों आपको आपको बिजनेस के सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको बिजनेस सक्सेस करना है तो तीन चीजें आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। आपको विजनरी होना पड़ेगा, आपको अच्छा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और तीसरा है आपके पास टेक्नीशियन होना पड़ेगा। अगर टेक्नीशियन है, अगर आपके पास मैनेजर है, आप विजनरी हैं, तो दोस्तों आप सक्सेस हो सकते हैं, आपका बिजनेस सक्सेस हो सकता है और आप अपने लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बन सकती है। थैंक यू।